हेलो फ्रेंड, आपने बहुत अच्छा कंटेंट बनाया मगर फिर भी आपको व्यूज नहीं मिल रहे, आपका चैनल ग्रो नहीं कर रहा। तो इस वीडियो के अंदर मैं 100% आपको लाइव प्रूफ के साथ शो करवाने जा रहा हूं कि इशू किस जगह है, आप प्रॉब्लम किस जगह कर रहे हैं। बिलीव मी, अगर एंड तक मेरे वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, आप रियल ऑर्गेनिक वे से अपने चैनल को ग्रो कर सकोगे। नंबर टू पे हम बात करने जा रहे हैं कि आप अपने थंबनेल को क्लिकेबल कैसे बनाएंगे। तो इसको सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये दो थंबनेल हैं, ये बंदा एक है, ये दूसरा बंदा है, दोनों ने सेम कंटेंट के ऊपर वीडियो बनाई है, एक ने ये थंबनेल बनाया, दूसरे ने ये थंबनेल बनाया। अब ये दोनों थंबनेल जो है, मैं सर्च किया किसी की वीडियो को, दोनों थंबनेल मेरे सामने आए, तो अब मैं इसको क्लिक करूंगा या इस थंबनेल को क्लिक करूंगा, तो इसको बोलते हैं थंबनेल क्लिकेबल, कौन सा मैं क्लिक करूंगा। नंबर टू पे हम इस वीडियो के अंदर ये बात करने जा रहे हैं। नंबर थ्री पे हम बात करने जा रहे हैं कि हम एक प्रोफेशनल लेवल पे प्रोफेशनल लुक वाला थंबनेल कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो ये मैं आपको वीडियो के एंड पे डिजाइन करना भी सिखाऊंगा। तो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं टेक्निकल कैसे यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड, स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको शो करवाता हूँ, लाइव प्रूफ शो करवाता हूँ कि आपका इशू किस जगह आ रहा है। कंटेंट बहुत अच्छा बना रहे हैं मगर इतने व्यूज क्यों नहीं मिल रहे, तो इशू किस जगह आ रहा है सबसे पहले हम लाइव ये देख लेते हैं। तो ये देखिए, वीडियो खोल के मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी वीडियो का हम एनालिटिक खोल लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ कि थंबनेल जो है क्लिकेबल बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं चलता हूँ एनालिटिक्स के अंदर, कोई भी वीडियो आप ओपन कर ले, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब जो है ना, वो हर बंदे को मौका देता है। ये मैं आपको शो करवाता हूँ जी, ये अगर हम जाएं यहाँ पे सी मोर में, यहाँ से मैं आपको अभी शो करवाने लगा हूँ। ये देखिए जी, ये हमारा ओपन हो गया है। ये देखिए, ये चीज मैं आपको शो करवाने की कोशिश करने लगा हूँ। ये देखिए ये मेरी वीडियो है, इसके आप इंप्रेशन चेक करें, इंप्रेशन इसके हैं जी, ये देखिए इसके इंप्रेशन है तकरीबन 5000। इसका क्या मतलब है कि यूट्यूब ने ये मेरी वीडियो 5000 बंदे के सामने शो की थी, जिसमें से ये तकरीबन कह लें कि 2000 बंदे ने इस पे क्लिक किया है, इसको देखा है। तो ये यहां से मैं आपको दिखाऊं, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट जो है मेरा वो 3.5% है, मतलब के 100 में से तकरीबन 400 बंदों के सामने ये मेरी वीडियो शो हुई है, उनमें से 4 बंदों ने इस पे क्लिक किया है। जितना ये ज्यादा होगा क्लिक थ्रू रेट, जितना ये ज्यादा होगा थंबनेल पे, जितना ये ज्यादा हाई होगा समझे, उतना ही थंबनेल पे ज्यादा क्लिक हुआ है। ये देखिए, ये 5000 बंदे के सामने गई है, उसमें से 2000 बंदे ने क्यों देखा है, 5 के 5000 बंदे ने क्यों नहीं देखा। ये यहां से आपका प्रॉब्लम जो है, आपका इश्यू जो है वो स्टार्ट होता है। इसको सिंपल और मैं सिंपल करता हूं, अगर आपका थंबनेल बहुत इंटरेस्टिंग था, आपका थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव था, उसमें थोड़ा सा सस्पेंस था, प्रोफेशनल था, तो पॉसिबिलिटी है कि ये रेट आपका बढ़ जाए। यानी 5000 बंदे के सामने ये दिखाई गई है वीडियो, तो उसमें से 4000 कह लें कि 3000-4000 बंदे ने उसको क्लिक किया, देखा है। तो ये इंपॉर्टेंस मैं आपको शो करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि यूट्यूब ने तो अपना काम किया है। ये देखिए, 5000 बंदे के सामने आपकी वीडियो गई है, इतना इंप्रेशन वीडियो को मिला, उसमें से इतने ही व्यू क्यों आए हैं। यहाँ पे आती है खराबी थंबनेल की, कि ये प्रोफेशनल नहीं है, ये क्लिक केबल नहीं है। तो ये चीज आज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ये मैं आपको लाइव सिखाऊंगा, बना के सिखाऊंगा, ये फोटोशॉप के अंदर हम बनाएंगे, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इसको प्रोफेशनल बनाएंगे। इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे कि यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। तो फ्रेंड, आपने एक वीडियो बनाई है, अपलोड कर दी है यूट्यूब के ऊपर, अब यूट्यूब का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, जो आपकी वीडियो है यूट्यूब हर बंदे को मौका देता है ग्रो होने के लिए। यूट्यूब इंटरेस्ट बेस्ड कह लें कि वीडियो एक दूसरे को शो करता है। लेट्स बोल, मैं आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करता हूं कि मैं एक बनाई है रेसिपीज पे एक वीडियो मैंने अपलोड की है, तो यूट्यूब का एल्गोरिथम जो है वो चेक करेगा कि कौन कौन बंदा रेसिपीज की
जो वीडियोस हैं उनको सर्च करता है। तो लेट्स सपोज ये एक बंदा है वो रेसिपीज को सर्च कर रहा है, तो मेरी वीडियो रेसिपी वाली उसके सामने भी आएगी। जब वो रेसिपी किसी को सर्च करेगा यूट्यूब के अंदर, तो ऐसे ऊपर को स्क्रोल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब उसको मेरी वीडियो भी शो करवाएगा। तो शो होने से वो उसको क्लिक करता है या नहीं करता ये बाद की बात है, हम बाद में करेंगे। जब उसको शो करवाई तो इसको बोलते हैं इंप्रेशन। जी हाँ, यूट्यूब के टर्म में इसको बोलते हैं इंप्रेशन। लेट्स सपोज मैं एक और मिसाल देता हूँ कि मैं वीडियो बनाता हूँ टेक के रिलेटेड, तो जो बंदे टेक के रिलेटेड वीडियो सर्च करते हैं मेरी वीडियो, यूट्यूब का एल्गोरिथम उन्हीं के सामने शो करवाएगा। जब वो कोई टेक के रिलेटेड वीडियो सर्च करेंगे तो मेरी वीडियो उनके सामने आएगी किसी ना किसी जगह, कह लें कि सर्च में आएगी, या कह लें कि सजेशन में आएगी, या को सर्च के दौरान वो ऊपर को स्क्रॉल कर रहे हैं तो मेरी वीडियो उनके सामने आएगी। इसको बोलते हैं इंप्रेशन। अब यहाँ से बात असल स्टार्ट होती है कि YouTube का काम तो खत्म हो गया, उसने तो आपको मौका दिया, अवाम के सामने आपकी वीडियो को रखा। यहाँ से आपका प्रॉब्लम, आपका इशू, आपका काम स्टार्ट होता है। आया कि जिसके सामने आपकी वीडियो गई है वो उसको क्लिक कर रहा है, वो उसको देखने के लिए क्लिक कर रहा है। इसको बोलते हैं कि आपने बनाना है थंबनेल क्लिकेबल। ये मैं आपको शो करवाने जा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड, मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि प्रोफेशनल थंबनेल क्लिकेबल कौन सा होता है। ये देखिए, मैं पहले आपको गुड थंबनेल जो है, क्लिकेबल थंबनेल जो है, उनकी एग्जांपल आपको शो करवाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये मैं थंबनेल बनाया है कि इसमें आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी मैं शो करवाया है। ये देखिए अनबॉक्सिंग लिखा हुआ है और ये नीचे दो कह लेंगे स्टूडियो लाइट्स हैं, थोड़ा सा सस्पेंस भी है, लोग देखना चाहेंगे कि ये क्या है, इस वीडियो के अंदर क्या है। और मैं हेडिंग जो है ये देखिए बिल्कुल बोल्ड बिग करके लगाई हुई है, ये इसको बोलते हैं क्लिकेबल थंबनेल। एक दूसरी मैं एग्जांपल आपको शो करवाता हूँ। ये देखिए, जैसे ये है, ये मैं वीडियो का थंबनेल अभी बना के टाऊँ। अगर आप देखना चाहते हैं कि थंबनेल ये प्रोफेशनल बनाते कैसे हैं, तो वो मेरे चैनल के ऊपर आप एक और वीडियो देख सकते हैं जो है कि हाउ टू मेक अ प्रोफेशनल थंबनेल। वहां पे मैं आपको शो करवाया कि आप कैसे प्रोफेशनल थंबनेल जो है वो कैसे बना सकते हैं। तो ये मैं अभी थंबनेल क्लिक केबल की आपको एग्जांपल शो करवा रहा हूँ कि ये देखिए कोई खिचड़ी नहीं है इसके अंदर, कोई मिक्सिंग नहीं है, बोल्ड में ये देखिए क्लियर चीजें लिखी हुई हैं और थोड़ा सा देखिए सस्पेंस भी है, अनबॉक्सिंग और ये पिक्चरें लगाई हुई हैं, इसको बोलते हैं क्लिक केबल थंबनेल। और बैड क्लिक केबल थंबनेल की मैं एग्जांपल आपको शो करवाता हूँ। जैसे ये है, अब ये एक थंबनेल मैं डिजाइन किया है आपको शो करवाने के लिए बैड। अब इसके अंदर ये देखिए कई चीजें मैं रख दी हैं और बैकग्राउंड पे ये देखिए जिगजैग सा, और ये कलर स्कीम देखिए टेक्स्ट के अंदर क्या यूज की है, मतलब इसको अगर मैं स्मॉल करता हूँ तो ये रीडेबल ही नहीं है, चेक कर लें, ये रीडेबल ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बैड क्लिकेबल थंबनेल। अब ये वाला थंबनेल और ये वाला थंबनेल, ये दोनों अगर आप लोगों के सामने आते हैं तो आप किसको क्लिक करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स इसी को चाहेंगे, क्योंकि ये क्लियर है, इसमें विजन क्लियर है, आपको क्लियर पता है कि वीडियो के अंदर क्या है, है क्या, इसके अंदर सस्पेंस भी आपको साफ पता है, इंटरेस्ट भी आपको इंटरेस्टिंग है, ये भी पता है, तो ऑफ कोर्स आप इसी को क्लिक करना चाहेंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि प्रोफेशनल ये थंबनेल बनते कैसे हैं, तो मेरे चैनल पे वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको कर दें लाइक, नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। ऐसी अच्छी वीडियो टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, यूट्यूब के रिलेटेड, हाउ टू ग्रो के रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह।